यू नो डीएससीपी सर्वर, वो भी एक नहीं दो दो डीएससीपी सर्वर इन ए सिंगल नेटवर्क, हाउ वी कैन मैनेज? अगर हमारे नेटवर्क में दो डीएससीपी सर्वर हैं, या यू कहें कि अगर हम अपने नेटवर्क में सिंगल नेटवर्क में दो डीएससीपी सर्वर कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन डू दैट? वो दोनों डीएससीपी सर्वर एक सिंगल नेटवर्क को कैसे मैनेज करेंगे और हम दो डीएससीपी सर्वर क्यों लगाएं एक सिंगल नेटवर्क में, ये सारा कुछ इस वीडियोस में जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने ये पूरी वीडियोस देख ली तो डीएससीपी के विषय में इन फ्यूचर में आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे रिलेटेड कॉन्फिगरेशन, रिलेटेड स्कोप या ईच एंड एवरीथिंग। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम दो डीएससीपी अपने सिंगल नेटवर्क में लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टीपल डीएससीपी सर्वर आर्किटेक्चर फॉर सिंगल नेटवर्क। अगर आपके पास सिंगल नेटवर्क है, इट मीन्स कि सिंगल नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन करना है आपके नेटवर्क में। सपोज आपके नेटवर्क में 100 सिस्टम है, ठीक है, और आप कॉन्फिगर करना चाहते हैं टू मल्टीपल डीएससीपी सर्वर, तो हाउ कैन वी डू दैट और कैसे कॉन्फिगर करेंगे? सेम थिंग लुक लाइक दिस। तो आप देख रहे होंगे ये नेटवर्क डायग्राम, सेम ऐसे ही आपको क्रिएट करना है, इसमें कुछ भी चेंजेस करनी है। ये लाइव डायग्राम है, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल टेस्टेड है। तो हम देखते हैं, ये हमारा है लोकल नेटवर्क, ठीक है, हमारे पास दो डीएससीपी सर्वर है, डीएससीपी सर्वर 1 और डीएससीपी सर्वर 2। डीएससीपी सर्वर 1 की जो आईपी है 192.168.20.10 है और सर्वर टू की जो आईपी है 192.168.20.11 है, राइट। डीएससीपी सर्वर वन का जो स्कोप है 20.151 से लेकर 250 तक है, एंड डीएससीपी टू सर्वर का जो स्कोप है 50 से लेकर 150। स्कोप क्या होता है दोस्तों? स्कोप होता है कि कौन सी आईपी एड्रेस का रेंज, मतलब किस रेंज से किस रेंज तक आप अपने डीएससीपी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि डीएससीपी सर्वर होता क्या है। डीएससीपी सर्वर तो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करता है क्लाइंट को। हमें पता है कि अगर कोई भी सिस्टम अगर नेटवर्क में है तो उसे आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आईपी एड्रेस हम दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर आईपी एड्रेस की कितनी कैटेगरीज होती है, कितने क्लासेस में डिफाइन किया है, इस एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम देयर, ठीक है। तो दो तरह से असाइन कर सकते हैं, एक मैनुअल और एक स्टैटिक। तो अगर हमारे पास 50 प्लस कंप्यूटर है तो मैनुअल असाइन करना बहुत बड़ा हेडेक का काम होता है, इसलिए हम डीएससीपी सर्वर बनाते हैं। अब डीएससीपी सर्वर अगर सिंगल है, अगर डाउन हो गया तो हमारा सारा नेटवर्क बैठ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी काम नहीं होगा। दैट्स वाई वी आर कॉन्फिगरिंग मल्टीपल डीएससीपी सर्वर, राइट, कि अगर हमारा एक डीएससीपी सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरा डीएससीपी सर्वर उस नेटवर्क को मैनेज कर ले, राइट। तो डीएससीपी सर्वर के केस में होता क्या है कि मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि जैसे कि कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में ऑन होता है तो वो क्या करता है, डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजता है फॉर कलेक्ट द आईपी एड्रेस टू डिस्कवर। जो मैसेज है, ब्रॉडकास्ट मैसेज है, जितने भी हमारे नेटवर्क में डीएससीपी सर्वर हैं उसे रिसीव करते हैं। रिसीव करने के साथ उसके बिहाफ पे एक ऑफर
डीएससीपी क्लाइंट को देते हैं कि ये आईपी हमारे पास है, अवेलेबल है, नाउ यू कैन यूज इट. तो डीएससीपी क्लाइंट क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और एक एक्नॉलेज भेज देता है सर्वर के पास कि यस राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस आईपी, यू कैन अपडेट योर डेटाबेस. तो उसके बाद डीएससीपी सर्वर अपनी डेटाबेस में उसकी एंट्री अपडेट कर देता है कि कौन सा होस्ट नेम है, उसका क्या मैक एड्रेस है और उसका क्या आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, सो दैट इन फ्यूचर में वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैनेज कर सके. दैट इज कॉल्ड, ये जो सारी प्रोसेस जो बैकएंड में प्रोसेस होती है आईपी एड्रेस असाइन तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोरा, डोरा प्रोसेस. डीएससीपी, जब डीएससीपी क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब उसको कहते हैं डिस्कवर मैसेज करता है, डिस्कवरी डिस्कवर करता है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज, दैट इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस. तो इस प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डीएससीपी क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाती है, उसके बाद वो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकता है. नेटवर्क में मतलब किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, इंटरनेट चलाना है या व्हाटएवर जो भी काम करना है, मतलब नेटवर्क में अवेलेबिलिटी मिल जाती है और वो नेटवर्क में काम करने लगता है. तो हम देखते हैं कि अपने डीएससीपी, अगर हमारे पास दो डीएससीपी सर्वर हैं तो कैसे नेटवर्क असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे. तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो डीएससीपी स्कोप है, डीएससीपी सर्वर का जो स्कोप है 150 से लेकर 250 तक, मतलब कि ये जो आईपी प्रोवाइड करेगा डीएससीपी सर्वर वो आईपी होगी 150 से लेकर 250 तक, और जो दूसरा सर्वर हमारा है वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा 50 से लेकर 150 तक, 190 के रेंज में. तो देखते हैं अगर इन केस अगर हमारा फर्स्ट सर्वर डाउन हो जाता है तो क्या होता है. सपोज ये डीएससीपी सर्वर 1 डाउन हो गया, तब क्या होगा, जितने भी डीएससीपी क्लाइंट हैं हमारे जो सिस्टम है नेटवर्क में, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे मैनेज करेगा डीएससीपी 2 सर्वर. क्योंकि अगर नेटवर्क में जितने भी डीएससीपी सर्वर आपस में सिंक होते रहते हैं तो एक दूसरे को पता रहता है कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है. तो ये यहाँ से जैसे डाउन हो गया हमारा फर्स्ट सर्वर, ये आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट कर देगा 51 52 53 54 55 56 57, मतलब अप टू 150 तक ये आईपी एड्रेस असाइन करता रहेगा, राइट. इन केस सपोज मान लीजिए कि अब हमारा दूसरा सर्वर डाउन हो जाता है, नेटवर्क में हमारा दूसरा सर्वर डाउन हो चुका है, तो पहला सर्वर हमारा आईपी एड्रेस कैसे मैनेज करेगा. तो वो आईपी एड्रेस असाइन करेगा आपको 152 153 154 155 56 up to 250 तक, क्योंकि इसके पास जो स्कोप है रेंज है 151 से लेकर 250 तक है. तो ये मैनेज करेगा इस हिसाब से. ये हो गई आपकी फर्स्ट सिनेरियो कि आपको क्या करना है, जितना भी होस्ट है उतने होस्ट का एक आईपी एड्रेस रेंज बनाना है और उस रेंज को आपको स्प्लिट कर देना है. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने बनाया था 50 से लेकर 250 तक, राइट, और इन दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया कि 50 से लेकर 150 तक एक सर्वर प्रोवाइड करेगा, दूसरा जो सर्वर है 151 से लेकर 250 तक प्रोवाइड करेगा. इसमें क्या है कि आपको ये दोनों सर्वर है आपस में कोलिजन नहीं करेंगे. मतलब कि अगर आपने सेम एड्रेस दे दिया, सेम स्कोप दे दिया दोनों सर्वर को, तो क्या करेंगे कि ये जो दोनों सर्वर हैं डीएससीपी सर्वर को सेम आईपी प्रोवाइड कर देंगे. तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये एज अ लोड बैलेंस हाई अवेलेबिलिटी की तरह काम करेंगे. देखिए ये वहां पर हम बनाते हैं जहां पे कि हमारा फेल ओवर का ऑप्शन नहीं होता है. हालांकि विंडो सर्वर 2012 में फेल ओवर का ऑप्शन आ चुका है. अगर आपके पास विंडो सर्वर 2012 है तो उसमें फेल ओवर कॉन्फिगर कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई और सिस्टम है, थर्ड पार्टी ऐप है, थर्ड पार्टी सर्वर है, जैसे कि फायरवॉल हो गया, स्विच हो गया या राउटर हो गया, वहां पे फेल ओवर का ऑप्शन नहीं है, तो इस टाइप से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट. सेकेंड, अगर आपने स्प्लिट नहीं करना है, मान लीजिए कि आप स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका ये है कि आप फुल आईपी एड्रेस स्कोप बना दीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो डीएससीपी सर्वर वर्ग में मैंने क्या किया है, 50 से लेकर 250 तक हमने रेंज दिया है, और यहाँ सेकेंडरी में भी 50 से लेकर 250 तक दिया हमने। बट हमने क्या करना है, वहाँ पे एक्सक्लूजन डालना है। देखिए आप 192.168.20.151 से लेकर 250 तक हमने एक्सक्लूजन में डाल दिया सेकेंडरी सर्वर में। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि ये जो आईपी है, जो डीएससीपी स्कोप बना हुआ है, उसमें से एक्सक्लूजन में जो आईपी डली हुई है, रेंज डला हुआ है, वो किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेम वैसे ही मैंने यहाँ भी किए हैं, 50 से लेकर 150 तक हमने एक्सक्लूजन में डाला हुआ है, मतलब कि ये जो सर्वर है डीएससीपी सर्वर फर्स्ट, वो 50 से लेकर 150 की रेंज की आईपी असाइन नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये दोनों क्रॉस में हम करते हैं, मतलब 50% एक्सक्लूजन यहां पे करते हैं, 50% एक्सक्लूजन यहां पे करते हैं, इस हिसाब से कि दोनों आपस में कोलिजन ना करें। ठीक है, तो सेम थिंग, जब फर्स्ट हमारा डाउन होगा तो सेकेंड हमारा प्रोवाइड करने लगेगा आईपी एड्रेस, जैसा कि पहले सिनेरियो में देखा था आपने, और सेकेंडरी डाउन होता है तो हमारा फर्स्ट प्रोवाइड करने लगेगा। ऐसे हमारा नेटवर्क चलता रहेगा, हमारा जो भी सिस्टम है चलते रहेंगे, उसमें उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है एक्सक्लूजन का। तो जो आपको बेस्ट लगे उसको आप यूज कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर यू कि आप फर्स्ट सिनेरियो आप यूज करें, फर्स्ट डायग्राम, दैट इज मच बेटर। इस डायग्राम को यूज करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ज्यादा हेडेक का काम नहीं होगा। ठीक है, राइट तो आई होप कि ये सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और डीएससीपी सर्वर कैसे आईपी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम मल्टीपल नेटवर्क प्रोवाइड करना है, सपोज फर्स्ट फ्लोर पे हमारे कुछ और नेटवर्क हैं, सेकंड फ्लोर पे कुछ और नेटवर्क है, स्कोप है, जैसे 172 की आईपी प्रोवाइड करना फर्स्ट पे, 192 की आईपी प्रोवाइड करना सेकंड पे, 10 की आईपी प्रोवाइड करना थर्ड पे, तो इस सिनेरियो को हम कैसे आर्किटेक्ट करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसे मैनेज करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यहाँ से बहुत मतलब डीएससीपी के विषय में अपने जाना होगा कि कैसे डीएससीपी हमारे नेटवर्क में आईपी प्रोवाइड करता है, एंड दो डीएससीपी सर्वर एक नेटवर्क में, सिंगल नेटवर्क में कैसे काम करते हैं और कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट टू डीएससीपी सर्वर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऐसे लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।